दूसरे लोग बड़े बड़े घर खरीद लेते हैं, मैं एक छोटे से घर में रहता हूँ और गाड़ियाँ खरीद ली मैंने। तो ये आपके ओरिजिनल इसके मार्शल के हेडलैम्प्स है, सिंटेला का हॉर्न है ये जो आप देख रहे हैं, और ये इसका डायनेमो है। बुगाटी का ओरिजिनल मोनोग्राम है। 2 साल के लिए केवल बुगाटी अपने मोनोग्राम्स बनाया करता था विद द स्क्वायर डॉट्स, तो 1928 एंड 1929, तो केवल उन 2 सालों का है ये ओरिजिनल। आपका वो भी है रेडिएटर इसका, तो बड़ा डिस्टिंक्टिव रेडिएटर था बुगाटी का। एंड बॉडी स्टाइल इसकी आप जैसे देखेंगे, इट्स अ वेरी डिस्टिंक्टिव बॉडी स्टाइल। भुवनेश्वर रे कॉन्कर्स 2023 माने एमती गोटे जगह जो आपको सब विंटेज कार गोटे जगह मिल। आम सहित अच्छा श्री दिलजीत टाइटस अच्छा सर, आपको स्वागत करते हैं प्रदीन टीवी पे। थैंक यू। बुगाटी ये जो कार है, हमने बुगाटी के सब नए मॉडल्स देखे हैं, बट आपके पास जो मॉडल है खुले कारों वाला कार, तो ये अपने आप में ही कुछ एक नायाब सा चीज़ है जो शायद सबके पास ना हो। तो हाउ डज इट फील टू बी ओनर ऑफ सच पीस? तो पहले तो मैं अप्रिशिएट और थैंक्स करूँगा मिस्टर जूलिया पटनायक को कि उनने उड़ीसा का पहला कॉन्कॉर्स ऑर्गेनाइज किया है। एंड ये पहली बार कोई ऐसे विंटेज कार डिस्प्ले उड़ीसा में हुआ है, और ये हर साल मेरे ख्याल से होगा यहाँ पर। हम लोग यहाँ पे अबाउट 6 अलग अलग स्टेट से यहाँ पे आए हैं, दिल्ली से, मुंबई से, बेंगलोर से, चेन्नई से और कलकत्ता से। तो हम लोग सब फेलो कार कलेक्टर्स हैं, हम लोग ने अपनी सब गाड़ियाँ हम लोग लेके आए हैं यहाँ पे। रोल्स रॉयसेस, पैकर्ड्स, कैडिलैक्स, बेंटलेस, जैगवर्स, स्टड्स, बुगाटी, लैंचेस्टर्स, माने आप बड़े बड़े जो पुराने मेक्स जो इंडिया में आया करती थी गाड़ियाँ वो हैं। कुछ गाड़ियाँ जो हम लोगों ने इम्पोर्ट भी करी वो भी यहाँ पर आई हुई हैं। और ये एक 1929 की बुगाटी है जो मैंने अबाउट 10 साल पहले इंपोर्ट करी थी। इस कार को बहुत ही हम लोग ने मेहनत से इसको रिस्टोर किया गया है मानवेंद्र सिंह बरवानी साहब ने। और ये कार जो आप देख रहे हैं ये एक 4 सीटर ओपन टूरर है, इसमें छत नहीं है। तो टूरिंग कार्स में जितनी कम वजन उतना अच्छा होता है, तो छत भी नहीं है इसमें। हाउ डज इट फील कि जब ये कार आपने खरीदी, तो आपके पास मैं पहले जानना चाहूँगा हाउ मेनी कार्स यू हैव लाइक विंटेज कार, कितने कलेक्शन? मेरे अबाउट 65 कार्स है मेरे कलेक्शन में। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। यस, सो आई मीन आई एम एन ओल्ड पैशनेट कलेक्टर। सो दूसरे लोग बड़े बड़े घर खरीद लेते हैं, मैं एक छोटे से घर में रहता हूँ और गाड़ियाँ खरीद ली मैंने। आपके पास बड़े बड़े कार भी हैं, तो ये जो कार थी ये कहाँ से आपने इम्पोर्ट की? ये मैंने नीदरलैंड से इम्पोर्ट करी, एक पुराने कलेक्टर के पास थी, और वहाँ से इम्पोर्ट करके फिर हमने इसको लेके आए और इसको पूरा रिस्टोर किया, बहुत मेहनत करी इस पर। मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को कार का एक छोटा सा टूर दिखाएं, जो कार हाउ यू यू जस्ट हॉप ऑन योर कार एंड फ्रॉम द आउटसाइड। या हाँ, फ्रॉम द आउटसाइड लेट्स गो। हमें देखियो आ कार टी के जहाँ सर कहते इटा हूँ 4 सीटर बुगाटी T44 ग्रैंड प्रिक्स। सो व्हेन इट कम्स टू ग्रैंड प्रिक्स, इसका मतलब ये रेस में भी उतरी है ये कार? सो द ग्रॉप प्री वॉज ऑल्सो बॉडी स्टाइल, जो कोच बिल्डर्स नाम दिया करते थे इसको। तो ये आपके ओरिजिनल इसके मार्शल के हेडलैम्प्स है, सिंटेला का हॉर्न है ये जो आप देख रहे हैं, और ये इसका डायनेमो है। बुगाटी का ओरिजिनल मोनोग्राम है। 2 साल के लिए केवल बुगाटी अपने मोनोग्राम्स बनाया करता था विद द स्क्वायर डॉट्स, तो 1928 एंड 1929, तो केवल उन 2 सालों का है ये ओरिजिनल। आपका वो भी है रेडिएटर इसका, तो बड़ा डिस्टिंक्टिव रेडिएटर था बुगाटी का। एंड बॉडी स्टाइल इसकी आप जैसे देखेंगे, इट्स अ वेरी डिस्टिंक्टिव बॉडी स्टाइल। इसके व्हील्स ख़राब हो गए थे तो हमने व्हील्स इंपोर्ट किए हैं इसके, मगर इस गाड़ी का जो कलर है ये बरवानी साहब, मिस्टर टीपी सिंह और हम लोग ने सब मिलके इसको सेलेक्ट किया था। सो इट्स अ वेरी और पुराने स्टाइल, पुराने ज़मानों में जो हॉर्स कैरेजेस होती थी, तो हॉर्स कैरेजेस की डिज़ाइन में ये जो आप लकड़ी की पाइपिंग आप देख रहे हैं। अगर सर मैं थोड़ा चाहूँगा कि आप सीट के पास चलें, ये जो सीट टर्म देखे वो जो है भी, दिस इज अ 2 सीटर राइट सर? एंड दिस इज अ 4 सीटर सर, 2 ओवर हियर एंड 2 देयर। हां, तो जो फर्स्ट कंपार्टमेंट जुटी अच्छी, बट ड्राइवर सीट अच्छी, तो पखरे आउट जगह भी अच्छी। एंड सर थोड़ा बताएंगे, क्योंकि ये जब चलता था, मतलब आई थिंक ये भी मतलब इट्स इन रनिंग कंडीशन, तो इसके जो फंक्शनलिटी, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ बदल गए हैं, लाइक ऑटोमेटिक कार आ गए हैं, तो ये कैसे स्टार्ट होता है? एक्सप्लेन कर देता हूँ जी। तो सबसे पहले तो ये नॉर्मल ड्राइविंग के लिए ये इसका हॉर्न था। अच्छा, ये हॉर्न रहता है, ये नॉर्मल ड्राइविंग के लिए है। ये जब आप हाईवे पे हैं तब ये उसका हॉर्न है। ओके। ये आपकी हेडलाइट स्विच है, ये आपकी चार्जिंग है, ये आपका एक्सीलेटर का एक लीवर है, ये आपका वैक्यूम का एक लीवर है जी। और ये इसका स्टार्टिंग बटन है, और ये इसकी मैप लाइट है,
So what is the top speed of this car? This can do, currently this car we have tested it at about 130 kilometers an hour. 130 kilometers se bhi speed re jaye pe ho. And brake mu dekhiye kuch hai bhi sir, ye jo brake ye manual rehta hai, matlab hand brake to niche hai iske, ye bahar to uska hand brake hai aur gear shift lever hai. Gear shift lever. Haan. So wo jo aap dekh rahe hain, that's a fire extinguisher. Okay. And isme rpm meter bhi hai. Ye kya hai? Ye wala, ye to aapka wo hai. This is your handbrake. Okay, handbrake रहता है. और नीचे ये sorry, ये आपका not handbrake. Okay. This is your gear shift. Okay. उसके आगे वाला जो है that's the handbrake. Okay. और पीछे सब मैं बताना चाहूँगा कि it feels like जो आप vintage airplanes देखते होंगे उसी तरह का एक feel देता है, जैसे मतलब पीछे मतलब पछड़े आसन देखा तू मैंने कहते जो पीछे बैठेगा उसका तो मतलब बहुत ही मतलब ही विल लव लाइक एनीथिंग, गाड़ी से उतरने का मन ही नहीं करेगा. हाँ, तो आई मीन ये जो डेक जो है एक प्रकार से आपको प्रोटेक्ट भी करता है, शीशा भी सामने है ताकि आपके ऊपर हवा ना आए. और इसके पीछे सीट को जब आगे खींचते हम लोग तो इसके अंदर पे छोटा सा डिग्गी है जहाँ पे आप छोटा सा आप थोड़ा दिखाएंगे सर. ये अभी नहीं खोल सकते हैं. Okay. अभी इसको रहने देते हैं. तो इसके अंदर एक वो है जहाँ पे यू कैन कीप अ लिटिल बिट ऑफ योर लगेज एंड ऑल. और दो स्पेयर व्हील हैं क्योंकि आप लंबी टूरिंग पर अगर आप जा रहे हैं तो आपको पंचर हो जाए, तो दो स्पेयर व्हील है आपके. तो सर ये अभी पेट्रोल और फ्यूल कौन किस में? ये केवल पेट्रोल पे है, पूरा पेट्रोल. हाँ हाँ हाँ, जमी पूरा देखी पार्टी पचरे स्पोक व्हील्स दीटा आपंकर एक्सटेंडेड रही जोटा कि स्पेयर रही बटे कौटि भी गले आपण को अटकवाक पड़ोनी सागे सागे आप व्हील्स चेंज करके आप आराम से चलिए. एंड जस्ट गाड़ी टी देखु पूरा बहुत सुंदर लगुच. आउ जो कार टी रही निश्चित भाव में बहुत जत्न कर रखिंट बुगाटी जोटा कि गोटे स्पोर्ट्स कार. एंड इट्स रियली गिव्स इमेंस प्लेजर कि जो मैंने भी कार लवर्स रही जो मैंने कार रेसिंग भल पाँचपी एटा बहुत ही गोटे ट्रीट जे आसिक देखते एमती गोटे कार चलां आउ गोटे कार पाखु जावा तार स्टोरी भी जानवा. भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन राजीव को सह मु फणी प्रदीन टीवी.